हेलो दोस्तों, तो आज भी हमेशा की तरह वीडियो लेट है, बट कोई बात नहीं भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। तो अभी मैं फ़िलहाल दादर स्टेशन पे हूँ, और ये जो दादर स्टेशन बना है ब्रिज के नीचे, ये बहुत लंबा बनाया गया है। ये मेन यहाँ से जो मुंबई से पुणे के लिए जो बस जाती है, यहीं से ही टोटल जाती है MSRTC की। सर आपका क्या नाम है? दामो नवाली, कंट्रोलर हूँ। कंट्रोलर मीन्स आप मैनेज करते हो ना पूरी बस? ठीक है, तो दिन में यहाँ से मतलब कितने टाइम में बस निकलती है? यहाँ से आधा आधा घंटा में गाड़ी निकलती है। हर आधे घंटे में बस आधा घंटा। तो कितने पैसेंजर रहते हैं वैसे निकलते हैं? अच्छा, पैसेंजर के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अराउंड सुबह कितने बजे से स्टार्ट होती है? सुबह अपना पहले 6:45 का, 6:45 की फर्स्ट बस स्टार्ट होती है। तो यहाँ से लास्ट बस 11 बजे लास्ट बस, 11:30 बजे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इस बस की टिकट पूछ लेते हैं मैम, इसका टिकट कितना है? 515 रुपये मुंबई से पुणे जाने के लिए है। मैं आपको टिकट शो करता हूँ। ये रहा बस का टिकट, 515 रुपीज़, राइट। और इसका अभी फ़िलहाल टाइम 12:30 का है। 12:30 का हम यहाँ से निकलेंगे। फ़िलहाल 12:20 हो रहा है और 10 मिनट है हमारे पास। मिलते हैं सभी इस बस के ड्राइवर से। तो इस बस के जो ड्राइवर है, सर क्या नाम है आपका? परमेश्वर सोनोने। तो परमेश्वर भाई, आप इस बस में कितने साल से ड्राइव कर रहे हो? 2008 से ड्राइव कर रहे हो MSRTC में? ओके, और ये बस कौन सी है? अश्वमेध। तुम कितने बजे तक पुणे पहुंच जाएंगे? 4 घंटे के आसपास। तो पुणे यहाँ से कितना डिस्टेंस होता है, कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। ओके, तो दोस्तों ये इस बस का इंटीरियर, ये 2x2 सीट है दोनों जगह, यहाँ पे 2 जन के लिए और सेम यहाँ पे 2 जन के लिए। काफ़ी लंबी बस है ये, और फुली एयर कंडीशनर है, आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह सब लगा हुआ है। लाइट्स भी है, फिलहाल शायद आगे से ऑफ है। और यहाँ पे बहुत स्पेस भी अच्छा खासा है, ऊपर रखा हुआ है, और पीछे स्पीकर भी है और लाइट्स है। और ये जो सीट है वो भी, जो आपने इलेक्ट्रिक बस देखा था वैसे सेम सीट है ये भी। इसको कैसे ऐसे कुछ इस तरीके से ये आप यहाँ पे आराम से लेट सकते हो। एक नीचे की साइड पे चार्जिंग पॉइंट भी है, ये कुछ पेपर्स वगैरह रखने के लिए है, ये बोतल रखने के लिए है। और यहाँ पे LED TV भी दी गई है, बट फिलहाल ये ऐसी 3 TV है, एक यहाँ पे, एक बीच में और एक आगे है। तो परमेश्वर भाई, इस बस का थोड़ा आप हमको सिस्टम बता दो, थोड़ा नॉलेज दे दो इस बस का। जैसे कि ये कौन सी बस है? स्कैनिया कंपनी का है। स्कैनिया कंपनी का है, और ये फुली एयर कंडीशनर है। इसमें सीट्स कितनी है टोटल? 55 सीट है। ये देखो आप, काफ़ी लंबी बस है और टोटल 55 सीट है, ठीक है। और ये फुली ऑटोमेटिक है, कोई गियर नहीं है इसमें? गियर कुछ नहीं। ओके, और इसका सस्पेंसर कैसा है? सस्पेंसर बहुत अच्छा है। तो एक बार आप कौन सा सस्पेंसर वगैरह बताओगे? अच्छा, इससे क्या होता है? ये हाइट ऊपर जाता है गाड़ी का, बस का हाइट ऊपर होता है। क्या काम आता है, जैसे कि कोई ढलान वगैरह हो या फिर बाद में ड्राइविंग लेवल आता है गाड़ी? अच्छा, इसमें ड्राइविंग लेवल आता है, लेवल आता है। ओके, तो फिलहाल अपनी बस ऊपर है, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे नीचे हो रही है, मैं आपको ये बताता हूँ नीचे से। अभी फिलहाल ऊपर रख के चलाएंगे गाड़ी? नहीं, ड्राइविंग लेवल होता है, नीचे से ही गाड़ी चलाएंगे। तो सर एक बार बस को नीचे करके बताना। देखा, इस तरीके से इस बस का सस्पेंसर काम करता है। और पीछे इसके टोटल टायर्स है, 6 टायर्स पीछे, 8 टायर्स है, राइट। तो चलो देखते हैं अभी आगे हम। इसका मीटर देख, तो ये CNG पे चलती है या फिर डीजल पे चलती है? फुली डीजल है गाड़ी। ओके राइट, ठीक है, चलो फिर। 500 लीटर की टंकी है इसकी, क्या बात है। और ये देखो इतना सा केबिन है, राइट।
ये कंडक्टर की सीट है। तो सिर्फ पुणे तक आप आने वाले हो या फिर साथ में कोई कंडक्टर भी रहेगा? साथ में आपके घटे में ड्राइव करने वाले आपके साथ कोई कंडक्टर अवेलेबल है? दोस्तों अभी दादर स्टेशन से हम निकल गए। चेंबूर बस स्टॉप है, यहाँ पे भी रुकेंगे कुछ टाइम के लिए या फिर दो मिनट रुकेंगे? ठीक है, चेंबूर का बस स्टॉप है। दोस्तों इस बस की दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो है इसका पिकअप, जिस तरीके से ये पिकअप ले रही है, और सेकेंड ये इसका ब्रेक, जिस तरीके से ब्रेक मार रही है, एक तो स्मूथली ब्रेक लग रहा है और एकदम गाड़ी स्टॉप भी हो रही है। पैसे गाड़ी चला रहे, एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक ही साइड होते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी में, सो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है गियर वगैरह की में।
लास्ट स्टॉप, अभी यहाँ से ये डायरेक्ट पुणे के लिए निकलेंगे।
10 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों ये जो ये शिवनेरी की है और मैं जिस बस में हूँ वो अश्वेधाम अश्वे में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अश्वमेध की बस है, ये सब MSRTC की है और MSRTC की सारी बस स्टॉप जो बस जाती है वो फिलहाल यहीं पर स्टॉप करती है। ये भी शिवनेरी की है, सॉरी ये शिव शहर है। ये भी सेम बस है, दादर से बस हमारे पीछे यही बस आई है दादर से पुणे के लिए। अब ये दोनों बस का डिफरेंस देख सकते हो, ये हाइट में थोड़ी लंबी है और ये शिवनेरी की थोड़ी हाइट में चलती है। बारिश में बस की हालत थोड़ी गान हो जाती है वैसे तो। अभी ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। सर जी अभी और कितना टाइम लगेगा अपन को पुणे पहुँचने में? अब ढाई घंटा और लगेगा। ¿Qué es lo que te gusta?
सर जी यहाँ पे डीजल के लिए वेट करेगा अभी तो पूरा फुल टागी पूरा फुल कर दे आधा कर दे। ओके तो सर भाई यहाँ पे सब डीजल के लिए रुकी है गाड़ी, ये भी पुणे दादर है और सेम दोनों एक्चुअली MSRTC की है। इस बस में कैसा रहता है, जब आगे का टायर आप राइट साइड टर्न करते हो तो पीछे का टायर लेफ्ट साइड टर्न होता है, हल्का सा बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है क्योंकि आगे का टायर ऐसे राइट साइड जा रहा है, ये पीछे का टायर लेफ्ट साइड जाएगा तो क्योंकि ये लंबी बस होती है उसकी वजह से टायर को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों पुणे थोड़ा सा आगे है और मैं यहाँ पे फ़िलहाल इस ट्रिप को एंड करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय।